नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे अगर किसी की नाभि अपसेट हो तो उसकी नाभि को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या नाभि के आसपास के एरिया में दर्द हो तो उस दर्द को कैसे खत्म कर सकते हैं। चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को इसी तरीके से हम उनकी नाभि को ठीक कर सकते हैं और उनके नाभि के आसपास होने वाले दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। नाभि को चेक करना, मैंने पिछली वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नाभि चेक करने वाली वीडियोस नहीं देखी अभी तक तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाभि को कैसे सेट करा जाता है। आइए, जिसकी भी नाभि आपको सेट करनी है उसको रिलैक्स होकर लेटने के लिए बोलना है। दोनों हाथ नीचे की तरफ रहेंगे। अगर आप लेडीज़ को दे रहे हैं तो ये कपड़ा लगाकर जो उन्होंने पहना हुआ है, या स्पेशली कोई चुन्नी वगैरह लगाकर देना है। जेंट्स को आप बिना कपड़ा हटाकर भी दे सकते हैं, यानी कि आप पाउडर का इस्तेमाल या तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी में हम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो हम पाउडर के साथ ही देंगे। तो अब मान लीजिए नाभि हमने जब चेक कर ली, चेक करने के मैंने सारे तरीके आपको बताए हुए हैं, फिर नाभि ऊपर या नीचे खिसकी हुई है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो ध्यान करिए। हम जब भी कोई इस पर क्रिया करेंगे पेट के ऊपर तो हमेशा उस लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट को ध्यान करेंगे। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, यहाँ से ऐसे असेंडिंग कोलन जाता है और यहाँ से ट्रांसवर्स कोलन जाएगा। इस ट्रांसवर्स कोलन के बाद में ये डिसेंडिंग कोलन आता है और यहाँ से अंदर की तरफ मुड़कर सिग्मोइड कोलन और वो रेक्टम में मिल जाता है। हम जब भी नाभि को सेट करने का ट्रीटमेंट देंगे तो ये ऐसे ही देंगे। नाभि पे ये मान लीजिए इनकी नाभि है और मैंने ये उंगली रख ली, या एक बिंदु बना सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें सारी प्रोसेस इस नाभि की तरफ ही लेकर आनी है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि पाउडर या तेल लगाकर कर सकते हैं, और महिलाओं को ऊपर से ही देना है, कपड़े के ऊपर से। यहाँ से हाथ इस तरीके से रखना है और ये अंदर की तरफ नाभि की तरफ मसल्स को खींचते हुए लेकर आना है। ये नाभि है, इसके बराबर में ही, यानी कि ये इतना आपने एरिया कवर करा, इसके बराबर में ओवरलैप करते हुए फिर इधर से आएंगे, इधर की तरफ नाभि की तरफ, फिर यहाँ से नाभि की तरफ आएंगे, यहाँ से नाभि की तरफ आएंगे, फिर दूसरी तरफ से। आपने हाथ उठाकर नहीं रखना, यानी कि बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से आप धीरे धीरे चारों तरफ से होते हुए आप नीचे की तरफ यानी कि नाभि की तरफ सारा का सारा प्रेशर लेकर आएंगे। हर एरिया को कवर करना है आपने, हर एरिया को कवर करना है, और यहाँ से कवर करते करते, यानी कि यहाँ से फिर आप उधर से करेंगे। मैं केवल आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से इधर की तरफ करेंगे, यहाँ से आते हुए फिर इधर की तरफ करेंगे, और यहाँ से इधर की तरफ। लोअर एब्डोमेन को भी कवर करना है। धीरे 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 कवर करते हुए हम इस तरीके से आएंगे। अभी तो जैसे इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसकी नाभि अपसेट होगी या तो उसे यहाँ पेन होगा, या यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, या यहाँ पेन होगा, या यहाँ पेन होगा। तो जिस एरिया में पेन है, यानी कि नाभि ऊपर या नीचे जहाँ भी खिसकी हुई है, उस एरिया को हम 5-6 बार करेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर नाभि ऊपर की तरफ होती तो जब मैं इधर से घूमते हुए यहाँ आता तो फिर यहाँ से मैं 5-6 बार नीचे की तरफ करता। 5-6 बार ये करने के बाद में फिर मैं आगे बढ़ता। यानी कि नाभि जिधर खिसकी हुई है, ये करना हमें चारों तरफ है, लेकिन नाभि जिधर खिसकी हुई है उधर उस दिशा से हमें अपोजिट यानी कि नाभि की तरफ 5-6 बार करना है। ये क्रिया करने के बाद 2 मिनट का रेस्ट देना है। 2 मिनट के रेस्ट के बाद में फिर ये क्रिया करनी है। ध्यान से देखिए, ये नाभि है तो चारों तरफ से मसल्स को खींच कर, यानी कि नाभि की तरफ सेट करना, नाभि को खींच कर सेट करना है। जब भी नाभि होगी, ज़्यादातर ध्यान करना, नाभि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का एक और रीज़न हो सकता है। अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो नाभि अपसेट हो जाएगी, और उनकी कंडीशन में नाभि ऊपर की तरफ ज़्यादा होगी। गैस बन रही है तो पेट से पास हो जानी चाहिए, नीचे से पास होनी चाहिए, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि गैस का बनना और नीचे से पास होना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको या इंटेस्टाइन की मूवमेंट नहीं हो रही है तो गैस अटकेगी, और गैस का नेचर है, आप ध्यान से देखिए, कभी भी गैस क्या है, ऊपर की तरफ ही उठेगी। गैस का नेचर कि वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, और इस ऊपर के जाने की वजह से क्या कि नाभि को अपनी जगह से खिसका देती है, और जिन लोगों को गैस ऊपर डकार आती है उन लोगों का मतलब कि नाभि ऊपर की तरफ खिसक गई है। तो इसी प्रोसेस से हम नाभि को वापस अपनी जगह पर ला सकते हैं। ध्यान से करना है, ओवरलैप करते हुए करना है, और बड़ी सावधानी से करना कि इस तरीके से नाभि
की तरफ हमने मसल्स को खींच कर लेकर आना है और हल्का हल्का प्रेशर रखना है। हो सकता है जिनको नाभि ज़्यादा डिगी हुई हो यानी कि हिली हुई हो उनको दर्द भी ज़्यादा हो, तो शुरुआत में हल्के प्रेशर से ही नीचे की तरफ नाभि को लाएंगे और सेट कर देंगे। ये चारों तरफ ही करना है, ध्यान से सुनिए, ये चारों तरफ ही हमें करना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे क्रॉसिंग सारा चारों तरफ से लाकर नाभि को सेंटर में स्थित कर देना है। नाभि चाहे ऊपर हो नीचे हो दाएं हो बाएं हो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। इस क्रिया को 2 मिनट के गैप में हम 3 बार दोहराएंगे और कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद में आपकी नाभि वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, इससे वापस आ जाएगी और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट उसको परमानेंट ठीक कर देगा। तो इस प्रकार नाभि अगर गड़बड़ है तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर आप नाभि को अपनी जगह पर वापस ला सकते हैं। ध्यान करना ये 4 उंगलियों को ही सेट से आप लाने हैं, 2 उंगली का सेट नहीं बनाएंगे, 4 उंगलियों के सेट के बाद से ही इस प्रोसेस को करना है, पाउडर से या तेल से या महिलाओं को कपड़े के ऊपर से ही ये प्रोसेस आप करेंगे। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि नाभि को कैसे सेट करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिकतम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो इस नाभि सेटिंग को सीख सकें और अपने घर में अपने परिवार के लोगों की नाभि को सेट कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर दबाइए, आने वाली वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।